हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज का विषय है हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य। सबसे पहले हम एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। एम उद्देश्य, सर्वाधिक दूरवर्ती ध्येय को उद्देश्य के रूप में उल्लेखित किया जाता है और यह दिशा और रास्ते की ओर संकेत करता है। उद्देश्य हमेशा एक होता है, लेकिन इसे पाने के लिए कई लक्ष्य हो सकते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, संगठित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सभी पड़ावों में निहित संभावनाओं का विकास करना व उसे स्थान दिलाकर उसके अधिकतम विकास में योगदान देना है। मांसपेशियों एवं इससे संबंधित दूसरे अन्य कार्यकलाप जो इस प्रयोजन में अपना सर्वोच्च योग दे सकते हैं को प्रोत्साहित करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्य उद्देश्यों को जानने का विशिष्ट एवं परिशुद्ध साधन है। लक्ष्य सीढ़ियाँ हैं जो आगे बढ़ाती हैं और उद्देश्यों की यथार्थता से मिलाती हैं। लक्ष्य वांछनीय होते हैं, जिन्हें प्राप्त किया जाना संभव है, जिनके द्वारा ध्येय यथार्थ के निकट आता है। कहने का मतलब कि उद्देश्य एक होते हैं और लक्ष्य कई हो सकते हैं। एम को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जो हैं वो सीढ़ियों का काम करते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना चाहता है, वो उसका एम है, और उस एम तक पहुंचने के लिए वो अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, अपने देश की टीम और ओलंपिक क्वालिफायर में क्वालिफायर करने के बाद ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब जो चीज़ हैं वो लक्ष्य हैं, वो सीढ़ियाँ हैं जो वो उसके एम तक पहुँचाने में उसकी मदद कर रही हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक उद्देश्य है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को हम मुख्य चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक क्रियाएं शरीर के विकास में सहायता करती हैं। हमारा शरीर एक मशीन के समान है जो कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा वृद्धि एवं विकास करता है। शारीरिक विकास के कारण न्यूरोमस्कुलर में सुधार होता है। यह उद्देश्य व्यक्ति को अपना शरीर मजबूत, वेल शेप, गुड लुकिंग और आंतरिक अंगों का सही कार्य करना, अच्छा स्वास्थ्य व शारीरिक व्यक्तित्व सुधारने में भी सहायता करता है। इस प्रकार हम एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास सकारात्मक विचार, सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण, आचरण व प्रतिक्रिया से संबंधित है। वृद्धि और विकास की एक क्रमगत दिशा प्रदान करता है। ये विकास अच्छे व्यवहार के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान दिलाता है। सकारात्मक सोच एवं विचार व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाते हैं। इस प्रकार वो एक अच्छी नागरिक बनता है। सकारात्मक दिमाग उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जीवन में आने वाले विभिन्न चुनौतियों को का सामना आसानी से कर पाता है।
अब नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज के नियमों, अधिनियमों, परंपराओं, कानूनों का अनुसरण करता है। सोशल डेवलपमेंट में अनुसरण करना होता है इन नियमों और कानूनों का समाज के, वो समाज में सामाजिकरण प्रक्रिया को समझता है। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके स्टेटस को सुधारने में मदद करता है। सोशल डेवलपमेंट व्यक्ति में सामाजिक गुण, सहयोगी व्यवहार, नेतृत्व, बहादुरी, ईमानदारी, आज्ञाकारी, वफादारी, सच्चाई, सहनशीलता, सामंजस्य, आत्मनियंत्रण, अनुशासन, एकजुटता का विकास करता है। इसके कारण समाज के बुरे आचरण पर विराम लगता है। सोशल डेवलपमेंट के कारण व्यक्ति समाज का एक प्रमुख सदस्य बनता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। इमोशन व्यक्ति के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्यार, ईर्ष्या, घृणा, गुस्सा, आक्रामकता, प्रसन्नता, दयालुता इत्यादि मानव व्यक्तित्व के हिस्से हैं। सोशल डेवलपमेंट की प्राप्ति के लिए इमोशन सहायता करते हैं। ये स्थिति के अनुसार कभी नियंत्रण में और कभी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षा में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जिनके द्वारा हम इन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में इमोशनल डेवलपमेंट सहायता करता है। दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था। यदि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।